कथावाचक भगवान शरण बापू को महामंडलेश्वर बनाए जाने की हरी झंडी मिल गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने मीडिया से चर्चा कर की घोषणा। उज्जैन के कथावाचक भगवान शरण बापू, जो कि पिछले 35 वर्षों से संत का जीवन जी रहे हैं और व्यास पीठ से अध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, उनके चिंतामन मार्ग स्थित आश्रम पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज व महामंडलेश्वर सुमन आनंदपुरी पहुंचे और उनके जीवन के बारे में जानकारी लेकर मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताए कि आज हमने भगवान शरण बापू के आश्रम पर जाकर जांच की है और एक समिति गठित की जा रही है जो जल्द ही अपनी जांच पूरी कर हमें जानकारी देगी। उसके बाद में भगवान शरण बापू का महामंडलेश्वर के लिए पट्टाभिषेक किया जाएगा और उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी। यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। वहीं अखाड़ा प्रतिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने संत समाज से निष्कासित की गई महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी के बारे में भी मीडिया से चर्चा कर बताया कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है वह सही है, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही अपने आप को रामदेव बाबा बनाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने एक फर्जी कंपनी अपने नाम से बनाई थी जिसमें हमारे अखाड़े का नाम का उपयोग किया था और एक बाहर की व्यक्ति से पैसा ऐठा था, जिसका मेरे पास में लगातार फोन आ रहा है और वह भी रुपए की मांग कर रहा है। संभवतः मंदाकिनी पुरी के ऊपर एक और FIR हो सकती है। वह इतनी बड़ी 420 है कि उन्होंने हम तक को नहीं छोड़ा और हमारे नाम का गलत तरीके से उपयोग करती रही। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमें ये ज्ञात हुआ था कि हमारे भगवान बापू बहुत अच्छे संत हैं, अच्छे कथाकार, ये भी ठगी का शिकार हुए हैं। इनसे भी 2 लाख रुपया उसी व्यक्ति ने लिया है जो आजकल चर्चाओं में है। इनको भी इसी नाम से लिया था कि आपको जो है अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। मैं उसी की जानकारी करने यहाँ आया था और मैंने देखा यहाँ जो हमारे भगवान बापू के नाम से जाने जाते हैं बहुत अच्छे कथाकार हैं, बहुत अच्छे संत हैं, और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबको शिक्षा दी जा रही है, सबको भोजन आवास सभी सुविधाएँ जो है बच्चों को दी जा रही है, और आश्रम है जैसे लग रहा है किसी संत की कुटिया हो, किसी संत का आश्रम हो। मन बहुत खुश हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जो पैसा ये दे चुके हैं उसकी जिम्मेदारी इनकी निजी है, वो हमारी नहीं है। और बाकी हमने ये देखा है कि इनका आश्रम बहुत अच्छा है और मेरे साथ हमारे महामंडलेश्वर जी भी आए हुए हैं। हमने एक नया नियम बनाया है कि जहाँ भी महामंडलेश्वर की नियुक्ति होगी उनके लिए उनके पास आश्रम है कि नहीं है वो देखा जाएगा, उनके कागज़ देखे जाएंगे, उनकी ज़मीन है या किसी और की है, उन्होंने कहाँ तक पढ़ा है, उनके पास जो डिप्लोमा डिग्री वो चेक की जाएगी और विधि विधान से महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे महाराज श्री भी मेरे साथ है, महाराज श्री और पूरी जानकारी लेंगे, जानकारी के बाद फिर जो है बहुत जल्दी कम समय में ही महाराज श्री का फिर पटाभिषेक होगा। अब हमारे संत महात्मा भी बाबा रामदेव बनना चाहते हैं, ये प्रारब्ध का खेल है। हर कोई बाबा रामदेव योगी नहीं बन सकते। हमारी वहीं जिनकी चर्चाएं उज्जैन में है उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की थी, वो पता लगा कि जहाँ से सामान बनाया था उसको पैसा ही नहीं दिया। उनका मुझे फ़ोन आया, पत्र भेजा कि महाराज आपके नाम पे ये चीटिंग हुई है, आपके नाम पे ठगी हुई है, क्योंकि आपने ही इनको अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था माता जी को और ये पैसा आपको देना पड़ेगा। जब मुझे कल पत्र प्राप्त हुआ मैंने उनसे पूछा, बोले महाराज मेरे यहाँ इसने एक कंपनी दिखाई थी, कुछ माँ के नाम से कंपनी बनाई थी और मेरे से इसने पूरा सामान लिया था जिस पे अपना फ़ोटो लगाया हुआ है, शायद आप सबके पास वो होगा जहाँ इसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ये नहीं पहुँची है, जहाँ लोगों को नहीं छोड़ा है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, हमने पुलिस में FIR की हुई है और कार्रवाई तुरंत हो। आपकी तरफ से भी कोई FIR करवाई जाएगी इसमें? नहीं, हमारी ओर से क्या, जिन जिन लोगों को चीट किया गया है, जितने भी लोग हैं जिनको पैसा लिया गया है, जो ठगी का शिकार हो गए हैं वही जो है FIR करेंगे। नहीं, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अखाड़े का नाम उनने इस्तेमाल करा है, आपका नाम इस्तेमाल करा है हर एक जगह, इसलिए। देखिए मेरा ये मानना है कुछ गलती मुझसे भी हुई है, हमसे भी हुई है, हमें व्यक्ति को पहले देखना चाहिए था,
हमने उन पर विश्वास किया। जब उसने कहा मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने शास्त्री बीए किया है, हमने मान लिया। उसने कहा ये मेरा मकान है, हमने मान लिया। उसने कहा ये मेरी लैंड है, हमने मान लिया। उसने कहा ये पूरा पंडाल, कहीं करोड़ों का पंडाल दिखाया, मैंने इस बात को मान लिया। वो हमारी गलती, हमसे चूक हुई है और उस चूक का जो है भरपाई हम कर रहे हैं।